सभी को गुड इवनिंग। आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हम लोगों ने इधर पे एक फ्लैग मार्च करवाया टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आने वाले इलेक्शंस में सभी लोग खुल के वोटिंग करें, किसी डर के बिना, किसी तरह के रोक के बिना। इसके लिए हमारे साथ अपनी लोकल पुलिस के साथ हमारे पास सीआरपीएफ के भी लोग हैं, जो कि स्पेशली ये जो हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए ये लोग यूपी से इधर आए हैं। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी दूर से आके हमारे लोकल एरिया में आके ये लोग हमारे साथ जुड़े और इस मार्च को सक्सेसफुल बनाया। और आज हमने लोकल पुलिस ने और इन लोगों ने सब ने मिल के पट्टेपल्ली, तिगलकुंटा, बॉयज़ टाउन हॉस्टल से अभी मोची कॉलोनी तक ये मार्च किया। और आने वाले समय में भी इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑपरेशंस करते रहेंगे हम लोग, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि पुलिस उनके साथ है और किसी भी तरीके के संकोच के बिना, रोक टोक के बिना, किसी तरीके की परेशानी के बिना वो आगे आएँ और वोट करें। थैंक यू मैडम। इस फ्लैग मार्च में कितने पुलिस ऑफिसर हिस्सा लेंगे? हमारे टोटल 100 है, इसमें हमारे साथ 70 लोग सीआरपीएफ के लोग हैं। आरपीएसएफ के लोग। आरपीएसएफ एंटी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये लोग रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है, रेलवे वाले रिक्रूट किए सर। मैं आरपीएफ फोन ना, आरपीएफ का यूनिट ऑफ रिजर्व, आरपीएफ का स्पेशल यूनिट है आपका। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स से है जो यूपी से है। यूपी में कहाँ डिप्लॉयड हो मैम? अभी करंट में हम कृष्णापल्ली में डिप्लॉयड है। कृष्णापल्ली कौन से जिले में है? तिरुची, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लोग डिप्लॉयड है, अभी इनका डिप्लॉयमेंट वहाँ है। वहाँ से स्पेशली हम लोगों के लिए, हम लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा मार्च किया है, 4-5 किलोमीटर तो हुआ होगा, और इनकी फिटनेस भी अच्छी है, इन लोगों ने बढ़िया से मार्च किया आज। और इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में 13 तारीख तक हम लोग इस तरीके के अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे और आगे आके वो फ्री एंड फेयर वोटिंग करें।